गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेवियर्स ऑफिशियल। तो अभी हम लोग गए थे जोधपुर, बिकॉज जोधपुर में कुछ एक इवेंट था जो कि आज का व्लॉग उसी बारे में है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे गए, और हम बहुत शॉर्ट नोटिस पर वहां पर गए थे बिकॉज जो इवेंट था उसका जो भी प्लानिंग है और वो था वो थोड़ा सा डिले हो गया था। तो यस, चलिए चलते हैं आगे व्लॉग में, जहाँ के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जोधपुर क्यों गए। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग, और आज के हमारे वीडियो में है यश भी। यश कुछ बोलना चाहते हैं? तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं जोधपुर, जो कि है मेरा घर। लास्ट वीकेंड आपको पता है सेबी के पेरेंट्स इधर थे, तो हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और बहुत सारी जगह घूमने। तो आइए देखते हैं हम लोग जोधपुर क्यों जा रहे हैं, एक स्पेशल इवेंट है, तो बने रहिए, व्लॉग जरूर देखिएगा हम लोग क्यों जा रहे हैं। Yes guys, stay tuned, मैं आपको आगे अपडेट करती रहूंगी कि हम जोधपुर क्यों गए। सो या तो गाइस, अभी हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, हम लोग जा रहे हैं मुंबई, क्योंकि जोधपुर की डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को नहीं मिली पुणे से। तो हम लोग अराउंड रात के 10:30 बजे कुछ पहुँचाएंगे। काफ़ी जल्दी घर से निकल गए थे और बाहर का ऐसा कुछ खाना नहीं था, तो डिनर के लिए मैंने घर से ही बना लिया था। दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन ट्रेन में, आलू की सब्जी एंड पराठे, तो हम बस यही खा रहे थे उस टाइम। और ये आ गए हम लोग मुंबई रेलवे स्टेशन, यहाँ से बस हम लोग ट्रेन चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे दादर और हमारी ट्रेन है बांद्रा से। तो या बस अब हम जा रहे हैं बांद्रा और फिर वहाँ से हमारी जोधपुर की ट्रेन। और अभी हम लोग आ गए बांद्रा टर्मिनल, जहाँ से हमारी ट्रेन है और हमारी ट्रेन पहले, तो ये जा रहा है आगे आगे यश। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं और अभी बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो यहाँ पर काफ़ी ह्यूमिडिटी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, लाइक पुणे के कंपैरेटिव तो यहाँ बहुत ही, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलती है। तो गाइस, रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, लाइक इतनी तेज़ बारिश थी कि हमारी ट्रेन 3 आवर्स लेट हो गई, बिकॉज इतनी तेज़ बारिश थी कि ट्रैक पर पूरा पानी वानी भर गया था। तो यस, बट हमने वेदर इन्जॉय किया अंदर से ही बैठकर, बहुत सही बारिश हो रही थी। फिर हम लोग लेट ही सही, बट 7-8 बजे घर पहुँच गए थे। लाइक पापा हम लोग को लेने आ गए थे स्टेशन पे, तो वहाँ से हम लोग घर ही जा रहे थे। एंड घर पे जाके हमने ये, हम लोग गए थे यश की नानी के यहाँ, ये सब कजिन्स हैं यश के, तो यस हमने करी पिज़्ज़ा पार्टी। सो ये हमारे साथ आ गया यश, और आगे का यश कंटिन्यू करेगा। तो गाइज, उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा भर पेट खा लिया था, और लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे एक्चुअली, क्योंकि हमारी जो ट्रेन जर्नी है वो थी अराउंड 26 आवर्स की। तो बस हमको आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो हम लोग गए हमारे घर पे, और जैसे कि हम बहुत थक चुके थे तो बस हम सीधा सो गए, और जस्ट बेड पे लेटते ही नींद आ गई थी हमको बहुत अच्छी। एंड एक्चुअली हम लोगों ने वर्क ऑफ भी नहीं लिया था, सो हमारा वर्किंग भी नेक्स्ट डे से वर्किंग भी करना था हम लोगों को, तो उसका आधा टेंशन था। मंडे ब्लूज, सो बस यही सब था। लेकिन इवेंट के लिए हमें तैयारी भी करनी थी, तो और वो स्पेशल इवेंट जिसके बारे में सेबी आप लोगों से बात कर रही थी, तो गाइज वो है हम लोगों का नया फ्लैट जिसका था इनॉग्रेशन, जिसके लिए हम लोग गए हैं जोधपुर। तो आइए गाइज, आगे सेबी आपको दिखाएगी हमने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आइए, तो गाइज यहाँ पर हम लोग सब बैठ गए थे फुल टू तैयारी करने के लिए, और ये हम लोगों ने लिया बांदर वाल बनाने के लिए अशोक के पेड़ के पत्ते, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। ऑलमोस्ट हम लोग सारे फेस्टिवल्स पर इससे बांदर वाल बना के लगाते हैं। फिर हम लोग गए बाहर, बाहर गेट वगैरह डेकोरेट किया हमने, बिकॉज मेन एंट्रेंस तो सबसे सुंदर लगना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, मेनली वहाँ पर डेकोरेशन किया जहाँ पर हवन होने वाला है, क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे, ऑलमोस्ट रात के 1-2 बज गए थे और सुबह सबको जल्दी उठना था। तो यहाँ हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कल क्या होने वाला है, कितने बजे सब आएंगे। तो यस, सो गाइस दूसरे दिन था इनॉग्रेशन, जिसके लिए ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी क्योंकि हम लोग सब हवन में बैठने वाले थे, तो यस ये है मेरा फाइनल लुक। उसके बाद हम लोग गए सोसाइटी में, नीचे मंदिर था जहाँ की सारी पूजा वगैरह होने वाली थी, कलश वगैरह की पूजा हुई वहाँ पर, क्योंकि ये कलश उठाते लाइक इसमें पानी भर के आप घर में लेके जाते हो, कलश की स्थापना करते हैं, तो ये सब वहाँ पर रिचुअल हुआ। उसके बाद लाइक मम्मी ने कलश वगैरह उठाया, उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर लाइक कलश वगैरह लेके।
फिर मैंने लाइक जो एक रसोई वाली रस्म होती है जिसमें कि कुछ भी मीठा बनाते हैं एंड यू नो दूध को उफानते हैं, तो वो मैंने किया ऊपर जाकर। फिर घर पे सत्यनारायण की कथा भी थी और हवन भी था, तो सबसे पहले कथा हुई जो कि जल्दी हो गई थी, उसके बाद हम लोग बैठ गए थे हवन के लिए। तो यस, हवन चला था हमारा कुछ एक दो। और ये है लंच सीन्स जिसमें कि हम लोगों ने रखा था दाल बाटी चूरमा, विच इज़ वेरी फेमस इन राजस्थान, और उसके बिना तो कोई रसोई वहाँ पर होती नहीं है। तो या एंड वो बहुत ही टेस्टी भी था। सो लेट्स गो गाइज, अब मैं आपको करवाने वाली हूँ मेरे घर का होम टूर। तो ये देखिए, ये है हमारा लिविंग रूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। जनरली इतने स्पेशियस होते नहीं है, बट यार राजस्थान जोधपुर में आपको इतना स्पेशियस घर मिल जाएगा, बिकॉज अगर आप पुणे मुंबई में देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एंड ये है फर्स्ट रूम। तो या ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है बिकॉज हम लोग को यहाँ पर रहना नहीं था, तो या बेसिक करा हुआ है जो कि ये वाला जो सेकेंड रूम है इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारा फर्नीचर डन है, बेड भी है, वार्डरोब्स भी है। देन ये है किचन जो कि काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ का भी फर्नीचर बिल्कुल रेडी है। तो या सो गाइज, ये था ऑल अबाउट आर जोधपुर ट्रिप। आपको व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड या ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करो। बाय।